जैन समाज के बच्चे का खतना करने का मामला तूल पकड़ चुका है। इस मामले में बच्चे की मां को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं जैन समाज के ने आरोपी इलियास कुरैशी पर रासुका लगाने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के खजराना में 8 साल के बच्चे का खतना कराने के मामले में बच्चे की मां पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। दरअसल आरोप है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर मां ने बच्चे का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। खजराना पुलिस मामले में तहकीकात कर रही है। खतना करवाया गया था और उसके अलावा जो है बच्चे का जो है फर्जी जो है जन्म प्रमाण पत्र वो बनवाया गया था पिता और मां के द्वारा। इस प्रकरण में पहले पिता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस के द्वारा। आज मां को उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है जो फर्जी जो प्रमाण पत्र बना था जन्म प्रमाण पत्र उसके कारण, और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चे का खतना और धर्मांतरण कराने का मामला सामने आने के बाद से ही जैन समाज में भी भारी गुस्सा है। जैन समाज के लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से आरोपी पर राज्य सुरक्षा कानून के तहत एक्शन लेने की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर इस मामले को गंभीर बताया है। वहीं विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग का समर्थन किया है। निसंदेह बहुत जघन्य अपराध है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। बच्चे के पिता का नाम महेश कुमार जैन है। जैन समाज का यह आरोप है कि इलियास कुरैशी ने जबरदस्ती महेश की पत्नी प्रार्थना और उसके बेटे को बंधक बना रखा है। इलियास आदतन अपराधी है, उसने बच्चे की माँ को लव जिहाद का शिकार बनाकर उसे बंधक बना लिया है। हम ये कार्रवाई को और आगे बढ़ाने के लिए बच्चे की फिर से घर वापसी हो, धर्म वापसी हो, उसको लेकर के पूरे समाज के लोग आज यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग किया, आगे भी उनका सहयोग जारी रहेगा तो बच्चा फिर से अपने घर पहुँच सकेगा। और हम ये कार्रवाई और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि उसके ऊपर पूर्व के भी कई आपराधिक मामले हैं, तो उसको लेकर के भी हमने प्रशासन से मांग की कि उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाए। जैन समाज इस मामले में आरोपी पर रासुका लगाने के साथ ही बच्चे को पिता को सौंपने की मांग कर रहा है। फिलहाल समाज में इस मामले को लेकर आक्रोश है और लगातार सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग उठाई जा रही है। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज़, इंदौर।